फिर मुझे जहानाड़ी में एक संक्रमित मरीज मिला है जिससे कोरोना के भी काफ़ी होने के संभावना है, तो किस तरह की तैयारी कर रही है इसके बचाव के लिए? हम लोग जो आज कोडरमा सदर हॉस्पिटल में एक मरीज को हम लोग आइसोलेशन वार्ड में रखे थे, उनका कोरोना पॉजिटिव आज आया है, तो मरकज जो उसके बॉर्डर में जटनाड़ी करके जटनाड़ी करके और वहाँ से जो हम लोगों को 3 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन है वो गिरिडीह जिला पड़ती है, तो लेकिन हमारा जो है बफर जोन 7 किलोमीटर है उसमें हम लोगों को मरकज जो 8 गाँव आ रही है, जैसे दवाड़ी से लेकर 5 गाँव आ रही है, तो उसमें हम लोग को बफर जोन में क्या क्या करना है वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, बाइकिंग करना, सैनिटाइजेशन करना, वो सब चीज़। इसके अलावा जो 4 किलोमीटर में हम लोगों को जो बॉर्डर है एक बॉर्डर है चेक पोस्ट हम लोग बनाए हैं, तो उसको हम लोग परमानेंट सील कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पांडेटी का जो यहाँ जो बॉर्डर बढ़ गया हम नवाड़ी में उसको भी हम लोग सील कर रहे हैं। ये तो ये परमानेंट रहेगा, लेकिन जो बेको में है वो ड्रॉप के सील रहेगा, पुलिस वहीं पर तैनात रहेगी, कोई भी एसेंशियल व्हीकल गैस का गाड़ी ये सब हम लोग जाँच करते हुए हम लोग को ये करेंगे, और उस जो 3 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन में गिरिडीह जिला के तरफ से भी उसमें उन्होंने अपना कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, वहाँ पर भी चेक पोस्ट किया जा रहा है। हम लोग जो इसका डबल लेयर टाइप का हम लोग कर रहे हैं ताकि जो है कोई भी आदमी आए तो बिना जाँच का बिना चेकिंग का अंदर नहीं आए, तो हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। सर एक बात सामने आ रही है कि वो जो मुंबई से 23 मार्च को लौटा था उसके बाद बच्चों में किसी ग्रामीण चिकित्सक से शायद उसने इलाज कराया था, तो क्या वैसे लोगों को वैसे ग्रामीण चिकित्सक तो पहले जो उन्होंने ग्रामीण चिकित्सक तो वो लोकल वहाँ का आदमी बताया जा रहा है, लेकिन हमारे पास उन्होंने 30 तारीख को डॉक्टर वर्मा के लिए कहा जी, तो वो डॉक्टर वर्मा को भी हम लोग आइसोलेशन में रहने के लिए अभी ये किए हैं, प्लस उनका क्लिनिक भी हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा 4 तारीख को उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर को चुना है, तो उसको भी जो नर्स है डॉक्टर है जो उनको देखा था हम लोग और खासकर उनके द्वारा 2 बार पर को चुका अंदर आने के लिए जगह पर हम लोग पता कर रहे हैं, उनके द्वारा जो विजिट किया गया उसी हम लोग मैचिंग कर रहे हैं, और अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है परिवार और जो जो कॉन्टैक्ट में थे सभी का हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। इसके बाद अब आगे किस तरह से प्रशासन कोरोना को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए इसमें एक तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को सटा हुआ बॉर्डर है उसमें जहानाड़ी में एक केस पॉजिटिव आया है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये जो गांव है नवाड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे है, तो बेसिकली हमारा बफर जोन में आ जाता है, तो हम लोगों ने जो सर्विलांस होता है यहाँ पे टीम गठित करके हमारा सर्विलांस सहियाओं के द्वारा टीचर के द्वारा शुरू कर दिया गया है, वो लोग घर घर जाके ये चेक करेंगे कि किसी में कोई सिम्टम्स है कि नहीं, बाकी बॉर्डर प्रॉपरली सील है, माइकिंग हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं कि लोग घर से बाहर ना निकले, इस एरिया में जितने भी अगर प्राइवेट कोई क्लिनिक्स है या हमारे PSC है उसमें अगर कोई उस तरह का फुटफॉल है कि जो पिछले 15 दिनों में किसी में कोई सिम्टम्स है तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी भी जांच हम कर रहे हैं। कुल मिला के आपके माध्यम से हम लोगों को ये अपील करते हैं, प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लोगों का भी ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फर्ज है कि लोग बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, यदि बहुत ही आवश्यकता होती है तो ही घर से निकले, और अपनी जो आदतें हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन है कि डेली सब्जी खरीदने के लिए बाहर जाना है, डेली दूध लेने के लिए बाहर जाना है, इसके बजाय अगर 3-4-5 दिन का वो लोग एक साथ खरीद के रखेंगे तो उसमें बाहर निकलने की भी नौबत ज़्यादा नहीं आएगी, और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, जब भी निकलेंगे मास्क पहन कर निकलें और मिनिमम 2 मीटर की दूरी 2 व्यक्तियों के बीच। जैसे एक है कि अभी जैसे सुनने पाया है कि वो पिछले मतलब जाने से पहले वो कोई ग्रामीण चिकित्सक से भी इलाज कराया, क्या उसका आइडेंटिफाई हो चुका है? वो उस हॉस्पिटल को हम लोगों ने चिन्हित किया, उस डॉक्टर को चिन्हित किया है, उनको हम लोग उसका जो हॉस्पिटल है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, और उस डॉक्टर को हम लोग आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं, उनका सैंपल भी कलेक्ट किया जाएगा और जो ड्यू प्रोटोकॉल है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, सारी तैयारियाँ इन प्लेस हैं और हम लोग पूरी तरह से हर सतर्क